हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं गोभी का सब्जी बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने एक ठो फ्रेश गोभी लिया है और इस गोभी का स्टिक जो है उसको कट करके हटा लेंगे। आप इस स्टिक का यूज़ भी कर सकते हैं। इस स्टिक का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, पर हम लोग इस स्टिक का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इस गोभी के फूल को तोड़ लेंगे और बड़े बड़े पीसेस को कट कर लेंगे और इसको अच्छे से तोड़ तोड़ के प्लेट में डाल लेंगे और कट कर लेंगे। इसका साइज हम लोग को मीडियम रखना है, ना ज़्यादा बड़ा रखना है ना ही ज़्यादा कम रखना है। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा इसलिए रखे हैं क्योंकि जब इसके अंदर पानी जाएगा तो इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट टूटेगा भी। और इस गोभी को अच्छे से धो लेंगे और उतने टाइम हम लोग इसको साइड छोड़े हैं। इसे दो ठो आलू लिए हैं और आलू के ऊपर का छिलका को अच्छे से कट कर लेंगे और कट करके इसको बारीक बारीक मीडियम साइज में कट कर लेंगे। इसको अच्छे से कट कर लिए हैं। दूसरे आलू को भी अच्छे से कट कर लेंगे और कट करके धो लेंगे। दो ठो प्याज लिए हैं और प्याज का ऊपर का छिलका को हटा लेंगे और साइड वाला थोड़ा सा पार्ट को कट कर लेंगे। और इस प्याज को बारीक बारीक अच्छे से कट कर लेंगे। दूसरे प्याज को भी अच्छे से उसी तरीके से छिलका निकाल के कट कर लेंगे और धो लेंगे। धोने के बाद इसको बारीक बारीक कट कर लिए हैं। ये अच्छे से कट हो चुका है। अब दूसरे प्याज को भी अच्छे से कट कर लेंगे। उतने टाइम एक कढ़ाई को गर्म करने के लिए छोड़े थे और इस कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेंगे और उसमें कटे हुए गोभी को डाल देंगे और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसका कलर उतना भी ज़्यादा ब्राउन नहीं रखना है, फिर भी हम लोग को इसको अच्छे से भुनना है। इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे क्योंकि एक ही साइड ब्राउन नहीं करना है, दोनों साइड करना है ब्राउन और अच्छे से भुनना है। देखिए ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें 1 स्पून नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं, हमने 1 चम्मच डाला है। और इसको अच्छे से कढ़ाई बंद करके बाहर निकाल लेंगे। इसको अब एक प्लेट में बाहर निकाल लिए हैं। अब इसी कढ़ाई में कटे हुए आलू को डाल लेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। भूनते टाइम ये ध्यान रखना है कि इसको कुछ कुछ टाइम पे मिलाते रहना है और इसको भी भुनने के बाद निकाल लेंगे। अब इसमें 1/2 स्पून पचफोड़ना डालेंगे और 1/2 स्पून जीरा और 1 तरपत्ता डाल के इसमें प्याज डाल लेंगे और अच्छे से भून लेंगे।
अब इसमें भुने हुए गोभी और आलू को डाल लेंगे और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक ठो ताजा ताजा टमाटर को बारीक कट करके डाल लेंगे। टमाटर से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, इसकी वजह से हम टमाटर डाल रहे हैं। अब इसमें एक चम्मच नमक और ऐड करेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। ये अच्छे से पक चुका है, अब इसको हल्का सा हिला लेंगे और इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से अब पक चुका है, अब इसको हिला कर देखेंगे कि इसका कलर कैसा है और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और इसको ढक के कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने से ही। अब इसमें कट करके कोरिएंडर डाल लेंगे। अब ये सब्जी बरक चुका है, अब इसमें कटे हुए धनिया को डाल लिए हैं और डाल के अच्छे से मिला लिए हैं। अब इसमें एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे। ये सब्जी काफ़ी अच्छा होता है, इसमें कोई बाहर के मसाले का यूज़ नहीं किए हैं, सब घर में बेसिक ये रहता ही है। ये काफ़ी कम मसाले में बना हुआ है और हम लोग का सब्जी बन के तैयार हो चुका है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मेथड से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा बना और इसमें क्या कमी।